इसी में मूसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने सोचा अब तो पुलिस आएगी, मेरे बच्चे को मार देगी, तो क्या करना चाहिए। सोचती रही, परेशानी थी, इसी परेशानी में अल्लाह ने उसके जहन में डाला अपने बच्चे को संदूक में भर दो और संदूक में भर करके दरिया में डाल दो। चला चुस्ता अपना बच्चा संदूक में रखा और संदूक में रखने के बाद दरिया में डाल दिया और दरिया चलता रहा, संदूक आगे बढ़ने लगा। माँ बहरहाल माँ थी, वो सोचती रही देखती हूँ मेरा बच्चा कहाँ जाएगा। आगे तक गई मगर ज्यादा आगे जा नहीं सकती थी। अपनी बेटी से कहा बेटा तुम इसके पीछे पीछे जाओ, देखो ये संदूक कहाँ पहुंचता है। बहरहाल वो बेटी जो है वो दरिया के किनारे चलती रही यहां तक कि आगे जाकर के जहां फिरौन का महल था वहां दरिया घूमता था। फिरौन अपनी बीवी के साथ ऊपर बालकोनी में बैठ करके नजारा कर रहा था, उसने देखा दरिया के अंदर से कोई संदूक जा रहा है। चपरासी को बुलाकर कहा जल्दी संदूक उठा करके लाओ। अब वो जो दौड़ करके गया तो संदूक उठा करके लाया, खोला तो उसमें से बच्चा निकला। फिरौन की बीवी आसिया कहने लगे भाई दरिया के अंदर से बच्चा और इतना खूबसूरत। फिरौन ने कहा हम तो सारे बच्चों को मार रहे हैं, इसको भी मार देंगे। उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो दरिया से मुझे बच्चा मिला है, इसको मैं मारने नहीं दूंगी। बीवी की जिद, इसलिए शौहर फिरौन ने कहा ठीक है फिर जब तुम कहती हो तो रखते हैं इसको, लेकिन अक्सर दूध भी तो कहीं पिलाना है। अब एक औरत को लाया दूध पिलाने के लिए, उसे दूध ही नहीं पिया। दूसरी औरत को लाया दूध पिलाने के लिए, उसने नहीं पिया। ऐलान कर दिया भाई कोई औरत आकर उसको दूध पिलाए, सारी औरतें आ रही हैं वो दूध किसी का नहीं पीता। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपनी बेटी से पूछा कहां गया वो संदूक, कहने लगा वो तो फिरौन के दरबार में पहुंच गया। मां कहने लगी जहां से बचाना था वहीं चला गया, तो वो कहां जिंदा बचेगा। अच्छा दो चार दिन के बाद कहा बेटा देखो ना उसको क्या किया। अब वो बच्ची जो है वो अंदर आ गई, अंदर आकर के क्या देखती है कि मेरा भैया जो है वो दूध ही नहीं पी रहा किसी का। उस और लड़की ने आगे आकर के कहा एक औरत को मैं जानती हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको लेकर के आऊंगी, शायद ये बच्चा उस औरत को दूध पिएगा। वो तो थे ही परेशान क्योंकि वो दूध पी नहीं रहा था किसी का, कल जल्दी बुला करके लाओ। अब वो बेटी जो है वो अम्मा के पास आ गई कि मामा जल्दी चलो शायद हो सकता है तुम्हारा दूध वो पिएगा। अब वो माँ आ गई, उसने जो ही बच्चे को गोल किया तो वो एक मुसन्निफ ने लिखा कि घमक घमक करके वो दूध पीने लगा, यानी बहुत अच्छी तरह से उसने दूध पीना शुरू किया। सारे हैरान हो गए ये कौन औरत है जिसका ये दूध पी रहा है। ठीक, फिरौन ने कहा बहुत अच्छा तुम्हारा दूध ही पी रहा है, तुम इस बच्चे को ले जाओ अच्छी तरह से दूध पिलाया करो और हमसे पैसे भी लिया करो। ठीक, अल्लाह ने माँ को कहा तुम दूध पिलाओ पैसे उनसे दिलवाए। ये खुदा की ताकत है, कुरान में मौजूद है ये, खुदा की ताकत की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला कहां क्या करता है, किस तरह से जिससे बचाना था उसी से हिफाजत कराई। ठीक, और उन्हीं के जरिए से कहा हम तुम्हें डर है ना फिरौन बच्चे को मार देगा, फिरौन ही के जरिए से तुम्हारे हवाले आप करा देंगे और सिक्योरिटी पूरी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। चुनाचे हर हफ्ते में पुलिस आकर निगरानी करती थी बच्चा ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल ठीक, दूध ठीक पी रहा है या नहीं, पैसों की कोई जरूरत तो नहीं। अब तो बादशाह की निगरानी में तरबियत हो रही है, किसकी, वही जो उसके उसका आगे चल करके उसके हुकूमत का खात्मा करेगा। अल्लाह की कुदरत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, अल्लाह की कुदरती थी उनको बचाना था। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफले वालों ने निकाला और ले जाकर के मिस्र में बेचा और वहां बादशाह ने खरीदा और वो बादशाह के घर में पहुंच गया। नौजवान लड़का बादशाह के घर में पहुंच गया नौकर बनकर। कुछ दिनों के बाद जब उसकी जवानी पूरी आ गई इंतहाई खूबसूरत, तो वो औरत जो जलीखा थी यूसुफ बादशाह की बीवी, वो जलीखा उसके आशिक हो गई। बहुत दिन तक वो देखती रही लेकिन यूसुफ पाक जहन, उसके जहन में नहीं आता था कि ये मुझे क्यों देखती रहती। वो समझता भी नहीं था, वो दूसरी जुबान नहीं जानता था, वो दूसरी वो खास किस्म की नजर अभी उसके जहन में नहीं आई थी, ये क्या देखती है मुझे। एक दिन उसने जब ये देखा कि फिरौन अपने वहां मीटिंग करने के लिए चला गया तो यहां कोई नहीं है, वो शाम तक नहीं आएगा, उसने यूसुफ से कहा गेट मेन गेट बंद कर दो। कह लगा जनाब क्या अंदर वाला गेट भी बंद कर दो। कह लगा जनाब वो सारे गेट बंद करा कर कहा चलो बेडरूम में, अंदर बेडरूम में ले जाकर कहा खोलो कपड़े। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझ में आया मुझे क्या कराया जा रहा है। उसने कहा हरगिज नहीं, मैं ये करने को तैयार नहीं। पूछा क्या करना चाहते हैं, क्या वही जो मर्द और औरत किया करते हैं वही। यूसुफ ने कहा बिल्कुल नहीं, माज अल्लाह, अल्लाह मुझे देखता है मैं ये नहीं करूंगा। अल्लाह ताला शाह ने यह कहानी क्यों सुनाई, नौजवान लड़कों और लड़कियों को अपनी जवानी की हिफाजत कराने के लिए मॉडल दिखाया। देखो कैसे मुल्क की फर्स्ट लेडी
मुल्क की खूबसूरत तरीन औरत अपने बेडरूम के अंदर एक नौजवान लड़के को लेकर के गई, देखने वाला वहां कोई नहीं, खतरा किसी चीज का नहीं, पकड़े जाने का खतरा नहीं है, बादशाह जो है वो अपने वहां मीटिंग में है, वहां शाम तक वो आने वाला ही नहीं है, उस वक्त किसने उसको बचाया? क्या खुदा के खौफ ने? ये अल्लाह का खौफ जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो फिर बुराइयों के नजदीक पहुंचकर भी आपको अपनी जवानी बचाना आसान होगा। मॉडल यूसुफ अलैहिस्सलाम, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही नहीं, हम तो नबी, हम तो उम्मत ही है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए तो यतीम, उनका कोई हिफाजत निगरानी करने वाला नहीं है। फिर 5 साल की उम्र में उनकी वालदा भी चली गई, फिर 12 साल की उम्र में अब वो जवानी स्टार्ट हो गई, निगरानी करने वाला कोई नहीं है, न बाप है, न माँ है, न भाई है, न बहन है। उस वक्त वो नौजवान बिगड़ सकता था? नहीं, आपने अपनी जवानी को बचा करके दिखाया। 25 साल की उम्र में जब आपका निकाह हुआ, पाक दामन जवान थे। इसी तरह से हम अपनी जवानी को पाक दामन रख करके दिखाएं, ऐसा पाक दामन की जिस दिन हमारा निकाह होगा, यानी जिस दिन आपका निकाह होगा, जिस दिन आपके कमरे में आपकी बीवी आएगी या बीवी के कमरे में उसका शौहर आएगा, फखर के साथ शौहर कहना चाहिए कि मेरी ये बॉडी बिल्कुल साफ है, मैंने किसी के साथ हैंडशेक भी नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई अफेयर्स नहीं है, मेरे मोबाइल में किसी लड़के का कोई ना फोटो है ना किसी का नंबर है, मेरे किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, मेरी ये जवानी बिल्कुल पाक साफ है। जब आप फखर के साथ कह सकेंगे तो आपकी आइंदा की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इसी तरह से लड़की फखर के साथ कहनी चाहिए, मेरी ये जवानी बिल्कुल पाक साफ है, मैंने किसी को टच नहीं करने दिया, मैंने बचा करके रखा। आप अमानत हैं आइंदा अपनी होने वाली बीवी के, और बीवी और लड़कियां अमानत हैं अपने आइंदा होने वाले शौहरों के। अगर आपने आज ही अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, और तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आप आइंदा अपनी उस जिंदगी को कुल्हाड़ा मार रहे हैं, इसलिए कि आपने अपनी जवानी को दाग लगा दिया है। अब आप कैसे उम्मीद कर सकेंगे कि आपकी जिंदगी का पार्टनर जो है वो बेदाग आएगा? हो सकता है वो भी ऐसा हो। और जब किसी लड़के ने या किसी लड़के ने एक मरतबा गलत ताल्लुकात कायम किए, उसके बाद फिर जो उसका होने वाला शौहर है उसके साथ मजा कभी नहीं आता है। क्यों? जिसने हराम में मजा पाया उसको हलाल का मजा अल्लाह ताला नहीं देते। ये बात ज़हन में बिठा करके रखें, हराम का मजा उठाया, हलाल का मजा अल्लाह ताला छीन लेते हैं। तुम हरामी में तुम्हें मजा आएगा, हलाल के साथ मजा आएगा। उसके बाद फिर शौहर को मजा नहीं आता है बीवी के साथ रहने में, बीवी को मजा नहीं आता शौहर के साथ रहने में, उसके जहन में कोई और है, इसके जहन में कोई और है, और उसके बाद फिर सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरती है। वो हमेशा इसको सताता है, ये उसको सताता, ये उसके हक अदा नहीं करता, वो इसको हक अदा नहीं करता, तो वो जो घरेलू मजेदार जिंदगी है वो मजेदार जिंदगी फिर नसीब नहीं होती है, शुरुआत यहां से होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये चैप्टर नमूना है हमारे लिए कि कैसे उन्होंने अपनी जवानी को दागदार होने से बचाया। जब वहां बदकारी में फंस सकते थे, वो जिनाकारी में फंस सकते थे, उस वक्त उन्होंने जिनाकारी से अपने आप को बचाया, हालांकि पीछा वहीं से हो रहा था, यहां से नहीं, बस ठीक इसी तरह से नौजवान लड़के यहां से हरगिज़ पीछा नहीं, और अगर खुदा ना खासा वहां से किसी ने किया आगाज किया तो बहुत नरमी के साथ समझाएं, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम मेरी बहन हो, मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए, मैं ये चाहूंगा मेरी भी कामयाब हो जाए, एक गलत रास्ते की तरफ हरगिज़ नहीं बढ़ना, चाहे उसके लिए लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। चुनांचे ऐसे लड़के लड़कियां भी हैं कि जिन्होंने लड़ करके अपने आप को बचाया, और ऐसे भी हैं कि हमदर्दी में फंस गए तो उसके बाद फिर निकल नहीं सके, और जो इसमें फंस जाता है उसके बाद फिर आगे आगे जो है वो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़लीखा ने फंसाना चाहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया, आगे क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे, वो पीछे से दौड़ी, और दौड़ने के बाद उसने कपड़े पकड़ लिए, वो पीछे घसीटती रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे अपने आप को घसीटते रहे, यहां तक कि उनके कपड़े फट गए, कपड़े फट गए, लेकिन गेट खोलने में वो कामयाब हो गए। जब गेट खोल दिया तो इत्तेफाक से ज़लीखा का शौहर यानी बादशाह रूटीन के बाखिलाफ उसी वक्त अंदर आ गया, रूटीन नहीं था उसको आने का। वो गेट पर देखा तो ये देखा पीछे से मेरी बीवी, आगे से लड़का, वो कपड़े फटे हुए हैं और हालत अजीब सी। उन्हें पूछा क्या बात हो गई, ये क्या हो गया? तो उस औरत ने खट से कहा, ये कितना खराब लड़का है, इसने मुझ पर हमला कर दिया था, ये मेरे बारे में बुरी बातें सोचता था, इसने तो मेरी इस्मत पर हमला किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि या अल्लाह, पीछा तो इसने मुझ पर किया, हमला तो इसने मुझ पर किया, और उल्टा मुझे ही फंसाया। सख्ते में आगे कुछ नहीं बोल सके। बादशाह अजीज मिस्र ने पूछा, क्या है ये, क्या किया तुमने? कहने लगा, जनाब मैंने कुछ नहीं किया। और ये क्या कह रही है मेरी बीवी? कहने लगा, जनाब झूठ बोल रही है। कहने लगा, ये कहां झूठ बोलेगा, तू ही झूठ बोल रहा होगा। अब बेचारे वो खामोश,
मासूम, तो या अल्लाह अब आप ही मेरी हिफाजत, मैं तो मेरा तो है ही नहीं यहाँ कोई, ना मेरा बाप है ना मेरा कोई, मेरा मुल्क भी नहीं है, मैं इनके यहाँ गुलाम हूँ, इनके यहाँ नौकर हूँ, एलिगेशन मुझ पर लगाई गई और सारी झूठी एलिगेशन लगाई गई, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये तो जो चाहेंगे मुझे कर देंगे, अब आप ही मेरे लिए कोई कोई इंतजाम करें। अल्लाह ताला शानों को ताकत है, अल्लाह ताला शानों को ताकत है कि उसी खानदान के अंदर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो दो तीन दिन पहले का उस बच्चे से पूछो गलती यूसुफ की है या जलीखा की है। बच्चे से कैसे पूछेंगे, वो तो छोटा सा बच्चा अभी दो तीन दिन पहले पैदा हुआ, वो कहां बात कर सकेगा, लेकिन अल्लाह को ताकत है। जैसे हमारी इस जुबान में बोलने की ताकत रखी, ये भी कभी कभी जहन में रखना चाहिए, क्या या अल्लाह आपने, ये बीच में का मजमून समझा रहा हूं मैं, या अल्लाह आपने मुझे इंसान बनाया, खूबसूरत बॉडी दी, कोई डिफेक्ट नहीं रखा, आंखें भी दी, ये जुबान भी दी, कान भी दिए, ब्रेन बिल्कुल फिट, फिर पढ़ना भी नसीब हुआ, ये सारी चीजें आपने दी हैं, इनमें से कोई एक चीज अगर कम होती तो मेरा क्या बनता, अगर मैं नाबीना अंधा होता फिर क्या होता, जुबान अगर होती मगर मैं बोल नहीं सकता कुल, फिर क्या बनता मेरा, मैं अपनी बात भी समझा नहीं सकता था, अगर मैं पोलियो वाला होता खुदा ना खास्ता फिर क्या होता मेरा, एक एक चीज को सोचकर दुनिया में कितने ऐसे हैं जो हैं हम जैसे ही वो भी पैदा हुए मगर किसी की आंखें ठीक नहीं, किसी का ब्रेन ठीक नहीं, किसी का कुछ ठीक नहीं, और वो सारी जिंदगी अपने लिए मुसीबत है। आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, फिर आपने मुझे मुसलमान बनाया उस पर भी शुक्र अदा करता हूं, कभी तन्हाई में अंधेरा करके फिर अल्लाह से बात करते हुए कहना चाहिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुसलमान के घर में मुझे पैदा किया, मैं फख्र के साथ कहता हूं मैं मुसलमान का बेटा हूं, ठीक है मेरे अंदर गलतियां हैं मगर जबान से तो कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं, तो शुक्र कथा आपका, ये जब शुक्र आप करेंगे उस वक्त अल्लाह को इतना प्यार आ जाता है कि इस वक्त तो किसी को दिखा नहीं रहा है, इसका मुझसे बात करता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सच्चे दिल के साथ कहेगा या अल्लाह मैं आपका अपना रब मानता हूँ, मैं अपने आप को आपका बंदा मानता हूँ, आपके इस्लाम को मैं अपना दीन मानता हूँ और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैं अपना नबी मानता हूँ, जो सच्चे दिल से कहेगा, तो हुजूर ने क्या फरमाया अना ज़ईमुन लाअख़ुज़न्ना यदहु वलाउदख़िलन्नहुल जन्ना, मैं गारंटर हूँ उसके लिए, उसका हाथ पकड़ कर अपने साथ में जन्नत में ले जाऊंगा। कभी तन्हाई में जरूर करना चाहिए, अल्लाह में गलतियां हैं मेरे अंदर, मैंने नमाज की सुस्ती भी की, ये भी किया वो भी किया, मगर मैं मानता हूं आप मेरे अल्लाह हैं, मैं आपका बंदा हूं, आपने सारा मुझे दे दिया, खूबसूरत बॉडी दी, अच्छा दिमाग दिया, पढ़ने के सोर्सेज पैदा किए, ऐसे वालदेन नहीं दिए जिन्होंने मुझे जो धोखे मुझे दें, ऐसे वालदेन ने जिन्होंने मुझे मजदूरी में लगाया होता, मुझे कालीन बाफी में लगाया होता, मुझे छोले बेचने में लगाया होता, नहीं ऐसे वालदेन नहीं दिए, ऐसे वालदेन जो मुझे पढ़ा रहे हैं शौक के साथ पढ़ा रहे हैं, वो उनको घर में खाना मिले या ना मिले लेकिन मेरी सारी चॉइसें पूरी कर रहे हैं, मैं महंगे से महंगा मोबाइल मांगता हूँ वो भी देने को तैयार हैं, अच्छे से कपड़े देने को तैयार हैं, अगर वालदेन मुझे ये कहता है बेटा आप बालिग हो गए जाओ खुद मजदूरी करो और कमाओ, जैसे यूरोप में होता है, यूरोप में होता है जो ही लड़का और लड़की बालिग उसके बाद फिर वालदेन के साथ उनका कनेक्ट उनका तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम होगा कि यूरोपियन सोसाइटी में होता यह है कि जो ही बच्चा बालिग हो गया लड़का हो या लड़की उसके बाद छुट्टी, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता, फिर आप कुछ नहीं कर सकता, कानूनन भी नहीं कह सकता उनसे कोई कि आप मुझे पढ़ाएंगे आप मुझे शादी करेंगे आप मेरा ये कुछ नहीं, उसके बाद फिर ये औलाद जो है अपने वालदेन को पूछती भी नहीं, जब वो वालदेन बूढ़े हो जाते हैं तो फिर चूंकि उनके घरों में औलादें होती नहीं है, औलादें जब होती नहीं तो उन बच्चों उन बूढ़े वालदेन को फिर ओल्ड एज होम में पहुंचाते हैं और ओल्ड एज होमों में वहां उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वहां तड़पते रहते हैं हमारा बेटा या हमारी बेटी कभी देखने के लिए आएंगे, ये तो हम मुसलमान हैं हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया वालदेन क्या होते हैं और औलादें क्या होती हैं, यहां के वालदेन अपनी औलादों के लिए अपनी जिंदगियां लगा देते हैं बेटा हो या बेटी हो, ये किसने हमको सिखाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के, अगर वो यूरोपियन कल्चर अगर आ गया उसके बाद फिर मालूम क्या होगा, न वालदेन के दिलों में बच्चों की मोहब्बत रहेगी न बच्चों के दिलों में वालदेन की मोहब्बत रहेगी, न शोहरों के दिलों में बीवियों की मोहब्बत न बीवियों के दिलों में शोहरों की मोहब्बत, इसलिए यूरोप में सबसे ज्यादा लड़कियां इस्लाम कबूल करती हैं, वजह ये उनको मालूम है कि वहां का शोहर जो है वफादार नहीं होगा, अगर मुसलमान शोहर में मिलेगा तो वफादार होगा। अभी दो साल पहले दो या तीन साल पहले एक अंग्रेज लेडी का इंटरव्यू शाया हुआ था, वो मैंने पढ़ा मक्का मुकर्रमा में,
वो इंटरव्यू देती हुई क्या कहती थी, कह लगे मैं तमाम उन औरतों से दरखास्त करती हूं जिन औरतों के बेटे उनसे कभी मिलने नहीं आते हैं, अपने बेटों को मुसलमान बनाओ, वो बच्चे तुमको मिलने के लिए आएंगे। फिर वो अपना वाक्य सुनाती है, मेरा बेटा कभी मुझे मिलने नहीं आता था, कभी क्रिसमस के दिन फोन करता था, हेलो मामा हाउ आर यू, बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। कह लगा उसके बाद फिर मेरे बेटे से कोई गलती हो गई थी और उसके बाद फिर पुलिस उसको पकड़ के ले गई, वो कहीं जेल में चला गया, जेल में तबलीग वालों ने उस पर मेहनत की और वो मुसलमान हो गया। अब जब वो मुसलमान हो गया तो वहां उसके चेंज आ गई, चेंज आने के बाद जब वो जेल से छूट कर आ गया तो सबसे पहले मेरे पास पहुंचा और आते ही सबसे पहले मेरे पाओं के नीचे बोसा दिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा खुदा ये वही मेरा बेटा है जो एक एक साल तक मुझे कभी शक्ल नहीं दिखाता था, आते ही इसने मेरे पाओं को बोसा दिया और आते ही कहा मामा मैंने कभी आपकी खिदमत नहीं की है, मुझ पर तो बहुत जरूरी है आपकी खिदमत करना। कहता रात और दिन मेरे पीछे पीछे रहता है और हर आधे घंटे के बाद मुझे पूछता है मामा जूस चाहिए तो ला कर दूंगा, चॉकलेट चाहिए तो ला कर दूंगा, आपको वॉकिंग कराने ले जाऊंगा, आपको बताइए क्या क्या चाहिए। मैं उससे पूछता हूं बेटा ये तुमको सिखाया किसने, वो मुझे वहां से एक बुक दिखाता है, कहता इस बुक में सारा लिखा हुआ, वो कुरान था। कहता मेरा यह तजुर्बा बताता है कि मेरा बेटा मेरा वफादार बन गया मुसलमान बनने की वजह से, तुम अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, क्योंकि वहां की माएं तड़पती रहती हैं। हमारे एक बहुत बड़े आलिम हैं जो यहां भी तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कहा कि हम एक मतलब अमेरिका में थे तो अमेरिका में शहरों में जब घूम रहे थे तो एक दफा हमारे साथियों ने कहा मौलाना ये देखते हैं आप ये कौन है ये जो चौराहे पर खड़े हैं। कहते हैं मैंने कहा भिखारी लोग होंगे, कहने लगे भिखारी नहीं है ये बहुत मालदार लोग हैं, फिर ये सड़कों पर क्यों खड़े हैं। कहता ये तड़पते हैं हमसे कोई बात करने के लिए, पांच मिनट हमसे कोई बात करे, इनको बात करने वाला कोई, कि इनकी औलादें का औलादें छोड़ चुकी है इनको। ये जो हमारा समाज है ये हमारा समाज इस्लाम की बुनियाद पर खड़ा है कि वालदेन अपने बच्चों पर कुर्बानियां देते हैं, बच्चे अपने वालदेन के लिए कुर्बानियां देते हैं। यहां के वालदेन तो वो हैं कि हमारे जानने वालों में से, बल्कि यहां लड़का वो मौजूद होगा इसकी दोनों किडनियां फेल हो गई, बाप कहता था मेरी किडनी लगाओ, मां कहती थी मेरी किडनी लगाओ, और बाद में उसकी मां की किडनी लगाकर बच्चे को लगाई गई, हालांकि गैर शादीशुदा नौजवान लड़का है अभी, उसकी दोनों किडनियां फेल और उसके बाद मां की किडनी लगाकर बाप को लगाई गई। ठीक यूरोप में अगर होगा वो कहेंगे वहां से परचेज करो किडनी कहीं से फिर लगाओ, डोनेट करने के लिए मां भी तैयार नहीं होती। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी नमूना है क्या कि अपनी जवानी को कैसे उन्हें बचा करके दिखाया। बाद में यही यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे मिस्र के गवर्नर हुक्मरान बन गए थे और सारा पावर उनके अपने हाथ में आ गया था। आपकी जवानी के लिए नमूना यह है। कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते हैं जवानों की एक पार्टी थी, वहां का समाज उन जवानों की पार्टी को काफिर बनाना चाहता था, वहां का समाज उस जवानी की पार्टी को बेहया बनाना चाहता था, वो जिना के आरी में मुबतला करना चाहता था। उस जवानी की पार्टी ने कहा हम इसके लिए तैयार नहीं है, तो कुरान उसका पूरा की पूरी कहानी जिक्र करता है कि असहाबे कहफ इज अवल फितियत इलल कहफ, वो जवानों की जमात थी जब वो अपने समाज को छोड़कर चले गए और पहाड़ में, और वहां का साहब हम ये करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमको अपनी सारी सोसाइटी छोड़नी पड़े, अपने घर छोड़ने पड़े, अपने वालदेन छोड़ने पड़े, कोया समाज उनको चाहता था वो हम जैसे बने, वह नाचने गाने वाले, वो डांस करने वाले, वो शराब पीने वाले, वो बदकारी करने वाले, लेकिन नहीं उन्होंने अपने समाज को छोड़कर चले गए इजावा पहाड़ में, और पहाड़ों में जाकर जब वो पहाड़ में छुप गए तो अब थक गए थे, उधर से बहुत हाई सोसाइटी के घरों के लड़के थे, अब जब पहाड़ में चढ़ते चढ़ते थक गए, कहा यार फिलहाल सोएंगे बाबे देखेंगे कहाँ जाएंगे, वहां तलाश शुरू हो गई ये लड़के कहाँ निकल गए, बाकी सारा समाज बिगड़ चुका था। अब जब तलाश शुरू हो गए लड़के तो मिले नहीं, एक वो पहाड़ की गुफा में जाकर के गार में जाकर के अंदर बैठ गए तो सोए, अब वो तो अल्लाह की तरफ गए थे, वो जब सोए हैं तो 350 साल के बाद आंख खुल गई, 350 साल वो करवटे बदलते रहे, करवटे बदलते रहे, 350 साल के बाद जब उठे उनके नाखून इतने बड़े बड़े, बाल इतने लंबे हो चुके थे, अब जब उठे हैं कहने लगे साहब बहुत नींद हो गई साहब, सुबह से दोपहर आ गई है। एक ने कहा सुबह से दोपहर तो नहीं, कल सुबह हम सोए थे 1.5 दिन हो गया सोए हुए, दूसरा कहता नहीं उड़ी दो गई, अब एक कहता है 1.5 दिन हो गया, दूसरा कहता नहीं आधा ही दिन हो गया, तीसरे ने कहा यार आधा हुआ या पूरा दिन हो गया, फिलहाल कुछ भूख लगी है कुछ खाने के लिए सोचो, 350 साल के बाद आंख खुली थी। बहरहाल एक को कहा यार आप जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लाओ, मगर किसी को बताना नहीं हम कौन है। अब वो जब पैसे लेकर के चला तो पहुंचा मार्केट में, मार्केट में आकर कहता साहब ये चीज हाँ दे दो पैसे, इसने जब पैसे दिए उसने कहा भाई ये करेंसी कहां से लाए तुम, कह लगा जनाब हमारी अपनी है, कह लगा नहीं ये पैसा कहां से लाए हो तुम, कह लगा जनाब हमारा अपना पैसा है, कह लगा तुम कहां क्यों हो, कह लगा जनाब बस यही कहूं मैं आप क्या बात हो गए, कह लगा ये तो 300 साल पहले वो दखियानूस बादशाह था,
वो जो जालिम था वो लोगों को जबरदस्ती काफिर बनाता था, उस जमाने की करंसी तुम्हारे पास कहां से आ गई? क्या लगा जी अच्छा दे दो मेरे पैसे वापस, मैं वापस जाता हूं। उस दुकानदार ने दूसरे दुकानदारों से कहा जल्दी देखो ये कहां का लड़का है, ये कहां का पैसा लाया इसने। दुकानदार जमा हो गए, लड़का आगे है दुकानदार पीछे, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए पहाड़ पर। अब वो बूढ़ा दुकानदार कहता था मैंने प्राण निष्कासु बोझ मुता कुम था हम लड़के कैसे गया मचू तुम, हमने प्राणों से सुना है कि कुछ लड़के गायब हो गए थे। ये वही है शायद, वो दखियानूस के जमाने के, दखियानूस उस बादशाह का नाम था जो लोगों को गुमराह करता था। आज के समाज में जो दीनदार बनता है उसको लोग कहते हैं दखियानूस। दखियानूस तो बेदीनों को कहते हैं, कुरान ने उसका पूरा वाक्य नगर, वह जवानों की जमात थी। इस अवल फित या तो इरल कहा पे फकालू, जब जवानों की एक जमात ने अपने सोसाइटी को छोड़ा और जंगलों में, क्यों अल्लाह ताला शानो ये कहानी सुनाई? इसलिए कि जवानों के सामने नमूना रहना चाहिए। इसे मेरे नौजवान भाइयों, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, इस कीमती जिंदगी में सारे गंदे कामों से अपने आप को बचाएं, फैशनों से, ड्रग्स से, सिगरेटोशी से, शराब से, जिनाकारी से, पैसों का गलत खर्च करने से, गलत खर्च करने से, महंगे मोबाइल रखने से, बिला जोरा नेटों पर घूमने से, इसी तरह से गलत चैटिंग करने से, इन तमाम गंदे कामों से अपने आप को बचाएं तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी। और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इतनी महारत पैदा करें तो आगे चल करके कहीं चल सकेंगे। कंपटीशन की इस दौर में आपके हाथों में डिग्रियां होंगी डबल एम में, लेकिन चलेंगे कहीं नहीं अगर काबिलियत नहीं होगी। मुश्किल तरीन कंपटीशन है आज के दौर का, उधर से बेरोजगारी का दौर है, तो काबिलियत अगर नहीं होगी तो कहीं भी निभ नहीं सकेंगे। और काबिलियत अगर होती है तो चारों तरफ से आपको अप्रिशिएट आएगा, काबिलियत होती है तो चारों तरफ से आपको लेने वाले आएंगे। ज्यादा काबिल लड़का होता है तो पढ़ते पढ़ते ही कंपनियां उसको परचेज कर लेती हैं, बेटा आपको हम सारा हम पढ़ाएंगे लेकिन जब जो है आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप हमारे यहां काम करेंगे, अगर काबिलियत हुई। और काबिलियत अगर नहीं होती तो अनफिट, बाद में फोर्थ क्लास में मुलाजिम भी नहीं लगता कहीं। तो अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, अपने कैरेक्टर को बचाएं, और साथ में यह बात जहन में रखें कि आज के जमाने में बेदीनी का सैलाब इस तरह से चल रहा है कि घरों के अंदर भी है, हत्ता कि हो सकता है आपके वालदेन आपके लिए रुकावट बने। कितने नौजवान लड़के हैं नमाज पढ़ना चाहते हैं, वालदेन रुकावट। कितनी नौजवान लड़कियां पर्दा करना चाहती है, मां पर्दा नहीं करने देती, बाप पर्दा नहीं करने देता है। कितने नौजवान लड़के हैं, आज परसों सुबह मुझे एक लड़का फोन कर रहा था, अल्लाह अकबर, वो मुझे फरकार फोन कर रहा था, कह लगा जनाब मैं अभी बालिग भी नहीं हुआ था, मैं अभी बालिग भी नहीं हुआ था। मैंने कहा तुमको मालूम है बालिग क्या होता है? कहने लगा जी मैंने सुना है 12-13 साल का, 12-13। लड़के को जब गुस्ल फर्ज हो जाता है तो लड़का बालिग हो जाता है, और लड़के को जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं तो लड़की बालिग हो जाती है, और जब लड़के को गुस्ल फर्ज हो जाए उसके बाद सीखना चाहिए कि गुस्ल किस तरह करना होता है, किन किन सूरतों में गुस्ल लाजिम हो जाता है, अगर कोई और लिक्विड अगर निकल गया तो उससे गुस्ल लाजिम होता है या नहीं, ये सीखना चाहिए, पूछना चाहिए। इसी तरह से लड़कियों को भी पूछना चाहिए, और खुद पूछ नहीं सकते हैं तो किताबें ढूंढनी चाहिए, सही किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो पाकी और नापाकी के मसाइल। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मतलब एक खातून आई और ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला तो नहीं शर्माते? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल नहीं। कहा मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूं, मगर वो शर्म का मसला था, इसके पहले उसने कहा इन्नल्लाह ला यस्तहयी, अल्लाह ताला शर्माते नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। उसके बाद उसने कोई प्राइवेट मसला पूछा, कुछ मंथली कोर्सेज का मसला पूछा होगा या इससे रिलेटेड कोई और मसला पूछा होगा, तो गलत है कि वो मसाइल सीखने होते हैं, पूछने होते हैं। तो मैं ये समझा रहा था कि आप उन ये लड़का मुझे फोन करके कहता जी जब से मैं बालिग हुआ तब से मैंने अमामा छोड़ा नहीं, क्यों? क्या लगा मैं नाबालिग ही था तो मैं बहुत ज्यादा दरूशरी पढ़ता था, तो मैंने देखा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सर पर अमामा था, तो मैंने उसी वक्त नियत कर ली मैं कभी अमामा नहीं उतारूंगा। कहता मैं सुबह अमामा लगाता हूं और जब बेड पर सोने के लिए आता हूं तब मैं उतारता हूं, वरना मेरा जी नहीं चाहता मैं अमामा उतार दूं। मैंने कहा ठीक। अब कह लगा मैं अब यहां किसी कॉलेज में गया तो वहां प्रिंसिपल साहब कहते हैं ये अमामा लेकर अंदर नहीं आना। उसने कॉलेज का नाम भी बताया किस जगह वो कॉलेज है। मैंने कहा क्या करना है? क्या लगा मुझे बताइए, मुझे कॉलेज छोड़ देना चाहिए या अमामा छोड़ना चाहिए? मैंने कहा देखो भाई इस्लाम तो तुम्हें इजाजत देगा कि अमामा छोड़ दो जब तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं मान रहा है, और पहले कोशिश करो उसको मनवाने की। क्या लगा जब वो बिल्कुल नहीं मानता, मैंने उसके पाँव भी पकड़े कि जब दूसरे लड़कों को आप टाई पहनने की इजाजत देते हैं मेरे से क्या फर्क पड़ेगा आपको, मुझे अगर आप मुझे अमामा अलाउ करोगे? उसने कहा बिल्कुल नहीं, ये अमामा यहां दरा लाने की इजाजत है, मुसलमान कह रहा है, मुसलमान प्रिंसिपल। ठीक। इस लड़के से मैंने पूछा आप छोड़ सकते हो अमामा? कह लगा मैं काली छोड़ दूंगा, अमामा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा क्यों? कह लगा मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, मैं उनके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये कहकर रोने लगा और फोन बंद कर दिया। हो सकता है वो लड़का यहां मौजूद होगा। करने वाले ऐसे भी हैं। लोग समझते हैं इस्लाम बड़ा मुश्किल है। मेरे भाइयों हरगिज नहीं, इस्लाम कैसे मुश्किल हो सकता है? इस्लाम तो कहता है आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो,
अपनी बढ़न को सजाओ, वो तो ईसाई मजहब गलत है जो कहता है गुसल नहीं करना 12 साल तक, शादियां नहीं करना, शादियां करोगे तो जुर्म करोगे। ईसाई मजहब में अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस तो बिजनेस करने वाला दुनियादार है। इस्लाम ये कहता है अगर बिजनेस करोगे और अच्छी तरह से बिजनेस करोगे तो तुम जन्नत के हकदार बनोगे। हमारा इस्लाम ये कहता है सच्चाई और अमानतदारी के साथ बिजनेस करने वाला कयामत के दिन नबियों के साथ होगा। ये हमारा नबी फरमाता है। उनके मजहब में, आज के मजहब में जो बिजनेस करने वाला वो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता, इसलिए कि वो दुनियादार बन गया। उनके मजहब में इस्लाम निकाह करने की इजाजत ही नहीं है, और जो निकाह करेगा वो गंदा हो गया, वो कभी साफ हो नहीं सकता। जिसने औरत को टच कर दिया वो हमेशा के लिए गंदा बन गया। ये उनके मजहब में है। हमारा मजहब ये कहता है निकाह जरूर करो और जल्दी करो, देर मत करो और जल्दी करो। फिर मर्द को कहा गया बीवी के सारे हुकूक अदा करो, खुश रखो उसे। बीवी को कहा गया शौहर के सारे हुकूक अदा करो, खुश रखो। तुम उसको खुश रखोगे तुम भी खुश रहोगे, वो तुम्हें खुश रखेगी तुम भी खुश। हमारा दीन तो ये है। हमारा दीन मुश्किल नहीं, आसान दीन है। साथ में हमारे नबी को जितनी हमारी मोहब्बत, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते कितनी मोहब्बत। हमारे वालदेन को हमारे इतनी मोहब्बत नहीं है, हमारे दोस्तों को उतनी हमारी मोहब्बत नहीं है, हमारे भाई बहनों को उतनी हमारी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत हमारे नबी को हमारी थी। चुनाचे जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी कहा करते थे मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूं जैसे बाप। फिर छोटी छोटी बातें समझाते थे। हमदर्दी की वजह से हुजूर ने फरमाया ये काम मत करना आगे चलकर तुम बर्बाद हो जाओगे, ये गलत हरकत मत करना आगे चलकर तुमको अजाब हो जाएगा। तुमने अपनी अगर आंखों से गलत देखा तो उसके बाद कयामत के दिन सलाई गर्म करके तुम्हारी आंख लगाई जाएगी। अगर तुमने इसकी औरत को टच किया और गलत अंदाज में टच किया तो फिर कयामत के दिन तुमको जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम में डाल के फिर वहां तुमको बिच्छू डंक मारेगा और पूरी बॉडी के अंदर वो जहर घूमेगा, और जहर घूमते हुए बिच्छू कहेगा जिस वक्त तुमने उस लड़की को टच किया था तुम्हारी बॉडी मजा महसूस करती थी कि जी का, इसीलिए मैंने ऐसा डंक मारा है कि तुम्हारी बॉडी के हर जगह पर पॉइजन पहुंच रहा है। अल्लाह के नबी आ रसान ने फरमाया तुम किसी औरत को हाथ में हाथ मिलाओ उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम खंजीर का पाखाना अपने हाथ में ले लो मगर औरत का हाथ में नहीं लगाना। इसलिए अपनी जवानी को बचा करके बस यहां से हम उठेंगे, आज के बाद हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। जब आप नमाजों की पाबंदी करेंगे तमाम बुरे ख्यालों से बच जाएंगे, टेंशनों से बच जाएंगे। अच्छा, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हो तो तिलावत का रूटीन बनाएं, और किस तरह से सुबह को जब उठें, खुदा ना खासा अगर देर से उठेंगे कोई परवाह नहीं, देर से उठे जिस वक्त उठेंगे उसी वक्त उठ करके ठीक तरह से वजू करें, वजू करने के बाद फिर पहले नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठ करके तिलावत करें मगर आवाज के साथ। और जिस तरह से म्यूजिक वाले म्यूजिक कहते हैं मजा आता है उनको, इसी तरह से जो कुरान मजा लेकर के पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद कुरान आपको मजा दे देगा, और ऐसा मजा आएगा कि दुनिया में किसी म्यूजिक में उतना मजा नहीं है। हम जब ये पढ़ते हैं कि फलाने इमाम सारी रात खड़े खड़े तिलावत करते थे तो मजा ही तो आता होगा तभी तो, बिल्कुल ऐसे जैसे आज जब म्यूजिक चलता है रात को सारी रात गाना चलता है और ना सुनने वाले थकते हैं ना गाने वाला थकता है। इसी तरह से उनको जब मजा आता था कुरान की तिलावत करते करते तो